song by them. तो नेक्स्ट मैच देखते हैं किसका है फिर, जतिन वर्सेस तेजस। ओके, तेजस और जतन देखते हैं दोनों के क्या डेक यूज करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग डेक यही होता है, पॉइजन सही जगह यूज करने से आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है हर तरीके से। दोनों की एक गलती और पूरा पूरा टावर जाएगा। पॉइजन वेस्ट नहीं करना है, पॉइजन वेस्ट हुआ तो टावर गया। मतलब ठीक है, डार्क प्रिंस की शील्ड एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से उस टाइम बचा हुआ होता है हर चीज से। और यहाँ पे आइस विज़र्ड और फिर से इसका बेबी ड्रैगन का कॉम्बो, ये गलती कर दी बहुत बड़ी। ये बहुत बड़ी गलती थी तेजस की, ये बहुत बड़ी गलती थी। उधर उसका पूरा टावर जाएगा। नहीं, वो किसकी थी, वो गलती किसी और की लगी थी मुझे। अब जतिन थोड़ा घबराए हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत परफेक्ट काउंटर आता हुआ, गेम ओवर। जी जी, वेल प्लेड। And here we go for the second round. Not yet. तो ऑनलाइन यूनिफेस, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि गेमर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर बैठ के जो पसंद है सबसे ज्यादा वही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वे।
अगर यहाँ काउंटर नहीं है, है। तेजस, अगर यहाँ पे एक भी कनेक्शन नहीं मिला इस पे एक्सबो का तो गेम खत्म है। ये फिर से इसको अपने डिफेंसिव एक्सबो लगाना पड़ा है। आइस विजर्ड गया, टेस्ला भी जाएगी और ये भी जा रहा है। गेम खत्म है अगर यहाँ पे नहीं रोक सका इसे तो। बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत वेल प्लेड जतन। फर्स्ट इसकी ऑफ अटैक के लिए है ये एक्सबो, अगर यहाँ इसने बचा पाया तो बचा ले जाएगा। और ओह शिट, पहला कनेक्शन मिल गया। इसको यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है। ये गया है। वेल प्लेड तेजस, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल प्लेड वेल प्लेड। एडवांटेज मिलते हुए यहाँ पे काप, अगर यहाँ काउंटर नहीं, बहुत लो हो गए तेजस। अगर यहाँ पे एक भी कनेक्शन नहीं मिला इस पे एक्सबो का तो गेम खत्म है। ये फिर से इसको अपने डिफेंसिव एक्सबो लगाना पड़ा है। आइस विजर्ड गया, टेस्ला भी जाएगी और ये भी जा रहा है। गेम खत्म है अगर यहाँ पे नहीं रोक सका इसे तो। बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत वेल प्लेड जतन। फर्स्ट इसकी ऑफ अटैक के लिए है ये एक्सबो, अगर यहाँ इसने बचा पाया तो बचा ले जाएगा। और ओह शिट, पहला कनेक्शन मिल गया। इसको यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है। ये गया है। वेल प्लेड तेजस, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल प्लेड वेल प्लेड। तो इसके सारे काउंटर्स जाएंगे। प्रिंसेस वहां अपना अलग काम करती हुई। ओके, तो इसके पास मतलब दोनों है, इसके पास लॉग भी है और बैरल भी है। ठीक है, तो दोनों के पास इसका काउंटर है। नाइस। अगर यहाँ काउंटर नहीं, बहुत लो हो गए तेजस। अगर यहाँ पे एक भी कनेक्शन नहीं मिला इस पे एक्सबो का तो गेम खत्म है। ये फिर से इसको अपने डिफेंसिव एक्सबो लगाना पड़ा है। आइस विजर्ड गया, टेस्ला भी जाएगी और ये भी जा रहा है। गेम खत्म है अगर यहाँ पे नहीं रोक सका इसे तो। बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत वेल प्लेड जतन। फर्स्ट इसकी ऑफ अटैक के लिए है ये एक्सबो, अगर यहाँ इसने बचा पाया तो बचा ले जाएगा। और ओह शिट, पहला कनेक्शन मिल गया। इसको यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है। ये गया है। वेल प्लेड तेजस, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल प्लेड वेल प्लेड। गलती तो इसके सारे काउंटर्स जाएंगे। प्रिंसेस वहां अपना अलग काम करती हुई। ओके, तो इसके पास मतलब दोनों है, इसके पास लॉग भी है और बैरल भी है।
ठीक है, तो दोनों के पास का काउंटर है। नाइस। एक्सबो का तो गेम खत्म है, ये फिर से इसको अपने डिफेंसिव एक्सबो लगाना पड़ा है। आइस विजर्ड गया, टेस्ला भी जाएगी और ये भी जा रहा है। गेम खत्म है अगर यहाँ पे नहीं रोक सका ऐसे तो। बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत वेल प्लेड, वेल प्लेड जतन। फर्स्ट इसकी ऑफ अटैक के लिए है ये एक्सबो, अगर यहाँ इसने बचा पाया तो बचा ले जाएगा। और ओह शिट, पहला कनेक्शन मिल गया। इसको यहाँ रोकना बहुत जरूरी है। शिट, ये गया है। वेल प्लेड तेजस, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, जल्दी तो इसके सारे काउंटर्स जाएंगे। प्रिंसेस वहां अपना अलग काम करती हुई। ओके, तो इसके पास मतलब दोनों है, इसके पास लॉग भी है और बैरल भी है। ठीक है, तो दोनों के पास नहीं, अब एक अपनी सेम डेक से आया है, इसकी डेक देखते हैं हेलगॉड की चेंज हुई है या नहीं। ओके, लावा हाउंड, नाइस, दिस इज गोना बी फन। अगर यहाँ उसने अच्छे से काउंटर नहीं करा अवेक ने तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये अभी अगर इसने ये हैवी ट्रूप्स डाले हैं तो पुश इसके बाद में दिक्कत आएगी। इसको डबल एलेक्सर का वेट करना चाहिए था, तब इसको अपने ये जितने हैवी कार्ड थे तब यूज़ करने चाहिए थे। वो काफ़ी एयर अटैक, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयर अटैक है इसका। ठीक है, वेल प्लेड बोथ। अब एक प्लस वन अगेन। दोनों अपने एलेक्सर वेट करते हुए, एलेक्सर रूल, हेल गॉड फिर से मिनियन, मेगा मिनियन, और इसका वही अपना पुराना कॉम्बो बैट्स। ओके, ग्रेट काउंटर, मतलब इसकी पूरी एयर डेक है, हेल गॉड पूरी एयर डेक लेकर आया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगी मे बी। मेगा मिनियन का एक अटैक बहुत ज़ोर का होता है, आप लोग देख सकते होंगे एक अटैक में वो 200 HP लेकर जाता है। अगर इसका काउंटर नहीं है अभी प्रिंसेस का तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एडवांटेज है उसके लिए, क्योंकि 3 elixir versus 4 elixir इस टाइम यहाँ पे हुआ। अब एक को अभी भी कवर करना है। ठीक है, और ये अच्छा काउंटर, अगर लंबर जैक को ढंग से यूज करा जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज वो भी बनता है, क्योंकि वो रेज छोड़ के जाता है और बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। बलून रेज का कॉम्बो, नाइट, ठीक है, नाइट इधर से पूरा पुश आ चुका है, उधर से उधर प्रिंसेस का पुश आ रहा है, उधर प्रिंसेस को रोकना है, इधर सबको रोकना है। अब एक बहुत आउट प्ले कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पुश बन रहा है हैवी। ओ क्लोन, नाइस, ये लास्ट कार्ड था इसका क्लोन, अगर इसको सही से खेल जाता है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में आ जाएगा ये भी। इसको खेलना है बस यहाँ पे, सिर्फ ये स्पैम करता हुआ बहुत तरीके से। हेल गॉड बहुत जीजी, हेल गॉड विनर, आई कैंट बिलीव इट, हेल गॉड मेड इट, जी, वेक जी जी, हेल गॉड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और स्कोर हो चुका है 1-1।
और यहाँ पे चाहिए हमें एक लास्ट विनर, तो देखते हैं। चलो 60। ठीक है, ये थोड़ा सीरियस होने वाला है। एलगॉड सेम डेक लेकर आया है, अवेक भी सेम डेक लेकर आया है, आई होप सो। अवेक की लॉग बेटी है और हेलगॉड की भी वही डेक है। ओके, यहाँ पे नाइट को रोकना बहुत जरूरी था, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। नाइट को पहले डिफेंड करना था, हेलगॉड ने थोड़ी गलती करी, उसका उसे मिल भी गया। अब प्रिंसेस के लिए उसको अपना एक ट्रूप फालतू वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये फालतू ही वेस्ट होगा इसके लिए। काफी लॉस में चल रहा है एलगॉड इस बार, इसको मौका ढूंढना पड़ेगा। टाइम भी बहुत है, 2 मिनट तो नॉर्मल है, उसके बाद ओवर टाइम अलग। एलगॉड थोड़ा डरा हुआ है, उसके इमोटिव्स बता रहे हैं। और इधर फिर से उसको एक बहुत अच्छा अटैक मिलता हुआ। गॉबलिन बैरल बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाती है, अगर आपने उसका लॉग या कोई ऐसी चीज़ निकलवा दी है स्पेल, तो आप बहुत बड़े एडवांटेज में जाते हो। एलगॉड बहुत टेंशन में इस टाइम। फिर से गॉबलिन बैरल आएगा, आइस स्पिरिट के साथ गॉबलिन बैरल। नहीं, उसने बचाया, उसको मालूम था कि वहां पे लंबा जैक है तो नहीं डालना है। वेल प्लेड अमान। प्रिंसेस इस बार आएगा, उसको चाहिए नाइट के साथ हो जाए ताकि उसको मारने का मौका ना मिले। और ये गेम खत्म, यहाँ तो गेम खत्म हो गया। ये क्या हो गया, हेल हो गया, ये क्या हो गया, हेल। एलगॉड अपनी डेक चेंज करता है या नहीं? नहीं, अब एक अपनी सेम डेक से आया है। इसकी डेक देखते हैं, एलगॉड की चेंज हुई है या नहीं। ओके, लावा हाउंड, नाइस, दिस इज गोना बी फन। अगर यहाँ उसने अच्छे से काउंटर नहीं करा अवेक ने, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये अभी अगर इसने ये हैवी ट्रूप्स डाले हैं तो पुश इसके बाद में दिक्कत आएगी। इसको डबल एलेक्सर का वेट करना चाहिए था, तब इसको अपने ये जितने हैवी कार्ड थे तब यूज़ करने चाहिए थे। वो काफ़ी एयर अटैक, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयर अटैक है इसका। ठीक है, वेल प्लेड बोथ। अब एक प्लस वन अगेन। दोनों अपने एलेक्सर वेट करते हुए, एलेक्सर हेल गॉड फिर से मिनियन, मेगा मिनियन, और उसका वही अपना पुराना कॉम्बो बैट्स। ओके, ग्रेट काउंटर, मतलब इसकी पूरी एयर डेक है। हेल गॉड पूरी एयर डेक लेकर आया है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगी। मे बी मेगा मिनियन का एक अटैक बहुत जोर का होता है, आप लोग देख सकते हो गए, एक अटैक में वो 200 HP लेकर जाता है। अगर इसका काउंटर नहीं है अभी प्रिंसेस का, तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एडवांटेज है उसके लिए, क्योंकि 3 elixir versus 4 elixir इस टाइम यहाँ पे हुआ। उसने एक फालतू एलेक्सर निकलवा दिया। अब इसको वेस्ट नहीं करना है मौको, वरना इसका गेम यहाँ बहुत चेंज हो जाएगा। एग्जीक्यूशनर वेट करना है अमोक के पास, देखने के लिए कि क्या ऑफेंसिव कार्ड है।
डिफेंसिव तो अच्छा लग रहा है मुझे इसका, अपोश के लिए हीलर बहुत काम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों है इसके पास ऐसी चीज। वेट करना है, इसके दो लास्ट कार्ड बचे हुए हैं जो वो देखना है। स्केलेटन्स एलिक्स एडवांटेज अभी भी अमोक के पास दिख रहा है मुझे। ओके ये आया है जैसे एलिक्स जाइंट बहुत बड़ा कार्ड बन जाएगा, वो बुरा भी हो जाएगा जो यूज़ करेगा और अच्छा भी हो जाएगा क्योंकि वो उसको फ्री फोर एलिक्सर्स दे देगा, और ये फोर एलिक्सर्स उसकी तरफ से गए और उधर एलिक्सर्स के बढ़े। इसको बहुत देख कर यूज़ करना है वरना वो सिर्फ एग्जीक्यूशनर को अपने एलिक्सर्स ही देता जाएगा। इधर वेट करना है, फिर से नाइट आ रहा है गॉब्लिन हार्ट। इसको अब पुश अपना पूरा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो डबल एलिक्सर चल रहा है। ये गल अच्छा उसका लास्ट कार्ड। ओके ठीक है देखते हैं। बेबी ड्रैगन दोनों आपस में, हीलर अपना काम कर रही है वहाँ पे और एलिक्सर जाइन फिर से। अगर यहाँ पे इसने खेल गया नहीं, डिफेंस नहीं कर पाएगा इसको, इस पे अटैक नहीं होगा, अब इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा गेम, उधर मस्केटियर आ रहा है, मस्केटियर से निपटना है, इधर इसको अपना बचाना है। हीलर फिर से पुश बनाने की कोशिश करेगा यार। उधर मस्केटियर और इधर इसका कॉम्बो अगर ये सही से यूज़ कर ले तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो करेगा। वो बार बार अपना पूरा एम कर रहा है कि उसको पुश बनाना है, बट उधर डिफेंस अच्छा खासा मिल जा रहा है तो बहुत मुश्किल है। और सेकंड थिंग, वो अपना एलिक्सर बहुत वेस्ट कर दे रहा है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर यहाँ पर इसने ग्रेवयार्ड यूज़ करा और ये वेट कर रहा है इसका और प्रॉपर ग्रेवयार्ड, यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की हालत बचेगी अब इसकी। इसको सेम प्ले करना है अब कुछ बार और गेम है एग्जीक्यूशनर के हाथ में। काफी रश हो रहा है उधर, ये इधर से स्पैम जा रहा है पूरी तरीके से उधर। अगर यहाँ पे पुश मिलता है इसको ढंग का, नहीं उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट थी कार्ड की, गॉब्लिन हेड बहुत आराम से उसने प्लेस कर दी, तो उसने बहुत फायदा हो गया उसमें। इधर से काफ़ी गॉब्लिन भर गए हैं तो हाँ ना, इसलिए अब तो अब फिर से उधर जा रहा है, इधर फिर पुश अमोक की तरफ से पुश बन रहा है, दोनों की तरफ काफ़ी सिमिलर है इस टाइम, दोनों में कोई भी निकाल सकता है इस टाइम, बहुत देखने वाली चीज़ है अगर इसका प्रॉपर। ओ शेट, वेल प्लेड, और ये ओवर टाइम पूरा होने के बाद अमोक इज द विनर, एग्जीक्यूशनर आई मीन, सॉरी माई बैड। जी जी गाइस, और सेकेंड गेम अमोक और एग्जीक्यूशनर, देखते दोनों कौन कौन सी डेक से आते हैं। अमोक सेम डेक लग रही है और प्लीज आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा अभी तक का जितना भी गेम्स थे, काफी इंटरेस्टिंग रहे मेरे हिसाब से। तो अगेन हीलर, इधर से मस्केटियर, दोनों सेम डेक से आ रहे हैं इसका मतलब।
ओके नाइट एग्जीक्यूशनर ने अपना स्पेल यूज किया बट उस टाइम कोई जरूरत थी नहीं. देखते हैं उसने किस रीजन से किया. एलेक्सा जाइंट, एलेक्सा गॉब्लिन, एलेक्सा गोलेम और बेबी ड्रैगन का अच्छा कॉम्बो होता है अगर ये यूज कर पाए. अमोग काफी टिपिकल डेक ले आया है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो खेल पा रहा है इसको. एक्सपो और हीलर ये वाली डेक्स जितनी होती है सब बहुत टेक्निकल होती है. आपको कुछ भी ये नहीं है, स्पैम नहीं करना है आपको, सब डिसाइड करके मारना है जो भी कर. तो आप कुछ भी ऐसे नहीं कि डालते जाओ और हो गया. आपको सामने वाले का आउट प्ले ही करना पड़ेगा. बेबी ड्रैगन एलेक्सा हीलर नाइट और धो बेबी ड्रैगन. इधर गॉब्लिन हट, ठीक है. तो इधर इसकी हीलर गई है. उधर इलेक्ट्रो ड्रैगन अपना काम करेगा. अब यहाँ पे इसको थोड़ा स्टार्ट करना है डबल एलेक्सा की वजह से. यहाँ कुछ आने वाले हैं अब दोनों की तरफ से. देखते हैं क्या होता है. उधर एलेक्सा लीक हुआ थोड़ा सा हीलर और इधर से गॉब्लिन हट रेडी है. मस्केटियर उधर बेबी ड्रैगन, इधर से बेबी ड्रैगन, दोनों लंबे पुश बना रहे हैं, बड़े पुश बना रहे हैं. इलेक्ट्रो ड्रैगन और टॉर्नाडो बहुत सही टाइम पे. अगर यहाँ पे इसने कर दिया गेम अपना तो गेम अपना हो सकता है इसका, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा. अमोग बहुत कोशिश कर रहा है इस टाइम पर. एग्जीक्यूशनर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है डिफेंस के लिए. और वी आर गोइंग टू ओवर टाइम. जहाँ पे थोड़ा बस एक टाइट ब्रेकर के लिए एक राउंड चाहिए. ग्रेवयार्ड अभी नहीं यूज करनी चाहिए थी उसको, बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं था इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वहाँ से हीलर आ रही थी, उसके पास एलेक्सा भी था, एलेक्सा एडवांटेज थी हम के पास. और यहाँ नाइट और मस्केटियर डिफेंस के लिए. बारबेरियन डाल स्केलेटन्स और पहली बार इसके एलेक्सा गोलम कनेक्ट होते हुए डिफेंस के लिए. नाइस वेल प्लेड. मुझे लग रहा है हम वो ग्राउंड निकाल पाएगा. और एक चाहिए बस इसको. 109 तो इसका एक भी आएगा उधर से स्पेल.
एलेक्सेवियस कर चुका है एग्जीक्यूशनर। शेट, ये बहुत गलत हो गया, बहुत ज्यादा एलेक्सेवियस कर दिया इसने अपना। ठीक है, तो अब इधर से पुश आ रहा है डिफेंड करने के लिए, इसने स्पेल डाल दिया अपना। ठीक है, तो अगर ग्रेवयार्ड है तो दोनों को अपने लिए बचा के रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अभी दो कार्ड दोनों के रह गए दिखना, तो अगर उसने कार्ड चेंज किया होगा, ग्रेवयार्ड रखा होगा, तो दिक्कत है। स्केलेटन्स नाइट अमो की तरफ से इलेक्ट्रो ड्रैगन, बारबेरियन बैरल इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी इजी रहता है, बट उसके तीन हिट्स आते हैं अगर आपके ट्रूप कनेक्ट हो रहे हो तो। इधर से बेबी ड्रैगन टोर्नाडो काफ़ी अच्छे से यूज करता है। बाबेरियन बैरल इधर से भी काफ़ी सही से यूज़ कर रहा है, जाके सारे गॉब्लिन्स ठीक होते उसका वर्ड प्ले करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रो ड्रैगन काफ़ी अच्छा है चीज में कनेक्ट करने के लिए, कहाँ से कहाँ उसने। नहीं, इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ओपी कार्ड है अगर आप सही से यूज कर पाओ तो। और टोर्नाडो उधर इसने ग्रेवयार्ड यूज़ किया था अगर सही से, और ये पुश बन रहा है अब है एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उधर बारबेरियन बैरल उसको रोकने के लिए, हीलर अपना काम कर रही है, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाता है तो इसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, और ये कनेक्ट हुआ था दो हीलर्स एक साथ, मस्केटियर और बेबी ड्रैगन ने काफ़ी अच्छा डिफेंस प्ले किया है, और ग्रेवयार्ड बहुत टाइमली वेल प्लेड है, एग्जीक्यूशनर ने बहुत आराम से उसको खेल गया है यहाँ पर। इधर से फिर से एग्जेगोलम आता हुआ कुछ दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं लगता ये पुश था, ये बस फ्री के लिए कर देना हो गया। तो टोर्नाडो ठीक है, यूज करने की जरूरत थी नहीं वैसे तो। इधर फिर से ग्रेवयार्ड यूज करते हुए देखते हैं क्या कर पाएगा इसे वो। ठीक है, काफी है, काफी एचपी ले गया वो, 114,000 बिलो 9,000। और इधर से भी इसने ग्रेवयार्ड के लिए बचा के नहीं रखी मुझे नहीं पता। ओके, इधर से आया फिर से ग्रेवयार्ड राइट टाइम, राइट परफेक्टली टाइम। नहीं, ये क्या हो गया, यहाँ तो बिल्कुल अलग हो गया गेम, यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन पूरा गेम खेल गया। वेल प्लेड अमोक, जी, अमोक को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया उधर इलेक्ट्रो ड्रैगन की वजह से। नाइसली प्लेड अमोक। एग्जीक्यूशनर बहुत एलेक्सेवियस कर चुका है एग्जीक्यूशनर। शेट, ये बहुत गलत हो गया, बहुत ज्यादा एलेक्सेवियस कर दिया इसने अपना। ठीक है, तो अब इधर से पुश आ रहा है डिफेंड करने के।